जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम टेस्ट नंबर 46 यानी कि 46 नंबर का जो टेस्ट सीरीज था उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए 46 नंबर का जो टेस्ट सीरीज है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत जो है आते हैं। हम बात किए हुए थे कल ही कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है हम दो भाग में जो है वीडियो बनाएंगे। पहला भाग जो कि कल हो चुका है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से रिलेटेड, और ये जो है दूसरा भाग है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इसमें जो है हम संसद उच्चतम न्यायालय केंद्रीय मंत्रिपरिषद और न्यायिक समीक्षा की जो है क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और आज का जो टेस्ट सीरीज था तो उसमें जो है अभी तक के अनुसार जो है सुनील कुमार जी जो है शानदार प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने जो है कुल जो है 42 यानी कि 42 क्वेश्चन में जो है 39 क्वेश्चन का जो है सही आंसर दिए हुए हैं। और हम कल बताए हुए थे कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी अच्छी तरह से अगर पकड़ बना लीजिएगा इस पर तो आपको जो यहाँ पर जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको जो है मिल सकता है देखने को। हालांकि पिछले 1 साल से जो है इसकी संख्या कुछ कम हो गई है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है एक ही क्वेश्चन आएगा। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो जो 4 से 5 कभी कभी तो 5 से 6 भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एवरेज अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको जो है देखने को मिल सकता है। तो ज्यादा ना देर करते हुए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक रोक सकती है। बोल रहा है कि जब धन विधेयक को जो प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में और उसे जो राज्यसभा में जो भेजा जाता है तो वह जो है राज्यसभा जो कितने दिन तक जो है इसे जो है रोक सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 14 दिन तक। देखिए अगर बात करें धन विधेयक की तो धन विधेयक को जो है केवल लोकसभा में केवल मंत्री के द्वारा ही जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। किसके द्वारा? मंत्री के द्वारा। और कहां पर? तो सिर्फ जो है लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, सिर्फ लोकसभा में। और इसे प्रस्तुत करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो राष्ट्रपति से जो है स्वीकृति जो है लेना पड़ता है। और अगर धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के उपरांत राज्यसभा भेजा जाता है तब जो है राज्यसभा अगर 14 दिन के भीतर इस पर स्वीकृति नहीं देती है या वापस नहीं करती है तो वह दोनों सदन द्वारा पारित समझा जाता है। देखिए अगर संसद में बात करें विधेयक से रिलेटेड तो संसद में जो है 4 तरह के जो है विधेयक जो प्रस्तुत किए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के जो है विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला जिसे जो है साधारण विधेयक कहा जाता है, दूसरा धन विधेयक जो कि अभी बात कर रहे हैं, तीसरा वित्त विधेयक और चौथा जो है संविधान संशोधन विधेयक। तो आपको यह भी याद रखना है कि कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। बोल रहा है कि संसद के जो 2 सत्र होते हैं साल में जो है 2 सत्र होते हैं, तो वही बोल रहा है कि उसके बीच का जो अंतर जो है कितना होना चाहिए, मतलब कितने दिन के अंतराल पर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 6 महीने का। देखिए संसद के दोनों सत्र के बीच का जो अधिकतम समय अंतराल जो है 6 माह जो है होना चाहिए। वैसे अगर बात करें तो 1 साल में जो है कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। पहला जिसे जो बजट सत्र कहा जाता है वो कब से कब तक होता है? आपको अभी याद रखना है बजट सत्र जो है फरवरी से मई के बीच को जो है बजट सत्र कहा जाता है, जुलाई से सितंबर को मानसून सत्र कहा जाता है, और नवंबर से दिसंबर तक का जो है शीतकालीन सत्र कहा जाता है। आप सुने होंगे फरवरी के समय में कि अभी बजट सत्र चल रहा है, फिर आप जो नवंबर दिसंबर के समय में सुने होंगे कि शीतकालीन सत्र चल रहा है, और कभी कभी ये भी सुने होंगे कि मानसून सत्र चल रहा है। तो यही पर बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए समय का, तो आपको याद रखना है 6 महीने का जो है गैप होना चाहिए। अब देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक जो है मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 6 महीने तक जो है वह जो मंत्री पद पर जो है आसीन रह सकता है। अब 4 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। बोल रहा है कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है जिसे जो हम अध्यक्ष कहते हैं उसका निर्वाचन जो किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। देखिए जब लोकसभा का जो चुनाव होता है निर्वाचन के बाद, जब जो है जो दल जीतता है चाहे वो नहीं भी जीतता है लेकिन वह जो है अपने निर्वाचित क्षेत्र से जो जीतते हैं, और वह जो है जब पहली बार जो है संसद पहुंचते हैं तो उसी पहली बैठक में जो है जितने भी सदस्य होते हैं
और उसी में से जो है अध्यक्ष के लिए जो है चुनाव कराया जाता है, और इसके चुनाव की जो तारीख है वो कौन फिक्स करते हैं, तो वो जो राष्ट्रपति जो है निर्धारित करते हैं। और यहीं से जो है क्वेश्चन इसी प्रकार जो उठाया गया था कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किससे होता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, यह नहीं बोलना है कि जो जीता हुआ है, लोकसभा के सभी सदस्य विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो। अब देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। देखिए अगर इसके बारे में बात करें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में यानी कि उच्चतम न्यायालय के बारे में, तो देखिए न्यायिक समीक्षा जिसे जो हम पुनरावलोकन कर सकते हैं उसकी शक्ति निहित है, और इसके तहत जो है केंद्र एवं राष्ट्र दोनों स्तरों पर जो विधायी एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच जो है करती है। कौन? तो उच्चतम न्यायालय जो है जांच जो है करती है, और अगर गलत पाए जाने पर वो क्या करती है, तो विधि को जो है गैर यानी कि असंवैधानिक जो है अवैध घोषित कर सकती है, और उसके पश्चात जो है सरकार द्वारा जो है उस विधि को जो लागू नहीं किया जा सकता है। अब देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन है, कोई धन विधेयक प्रस्तावित हो सकता है, बोल रहा है कि कोई धन विधेयक कहाँ प्रस्तावित हो सकता है, तो आपको याद रखना है कि धन विधेयक केवल और केवल जो है सिर्फ जो है लोकसभा में ही जो है प्रस्तावित हो सकता है, यह राज्यसभा में नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा बी हो जाएगा, केवल लोकसभा में। अब सातवां नंबर का क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है किस लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर जो है दोनों सदन में जो मतभेद हो। देखिए अगर बात करें संयुक्त बैठक की, तो देखिए संयुक्त बैठक जो तीन परिस्थितियों में ही जो है बुलाई जाती है, जब कोई सदन जो है पारित करता है विधेयक को और दूसरे सदन में भेजता है, यानी कि जब लोकसभा जो है पारित करेगा विधेयक को और दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा में भेजेगा, तो वहां जो है फर्स्ट केस देखिए, तो उस विधेयक को जो है दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा द्वारा जो अस्वीकृत कर दिया गया हो तब जो है हो सकता है, और दूसरा देखिए यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने से असहमत हो तभी हो सकता है, और तीसरा दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज्यादा समय हो जाए तब जो है उस केस में जो क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति जी जो है वो जो संयुक्त जो है अधिवेशन जो है आयोजित करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए आठवां नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है, तो आप ही बताइए लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन के अनुसार। देखिए नौवां क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो आप ही बताइए राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है राज्यसभा, क्योंकि यह जो है अस्थाई सदन है, इसे जो है भंग नहीं किया जा सकता है, विघटित नहीं किया जा सकता है। अगर बात करें इस सदन के सदस्य के कार्यकाल की, तो इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल का होता है, और इसमें जो है 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 साल पर जो है सेवानिवृत्त होते हैं, तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। और देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, डी दिया है नॉन, तो इसलिए क्या हो जाएगा नॉन हो जाएगा, क्योंकि इसे जो है भंग ही नहीं किया जा सकता है। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, बोल रहा है कि मंत्री जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, देखिए जब कोई प्रत्याशी जो है चुनाव में उतरता है और चुनाव के उपरांत जब मतगणना होता है तो वहां पर जो उसे जो है कुल जो है मत मिलते हैं तो वही बोला जाता है, अगर वैध मतों का जो उसे जो है 10% अगर जो है, अगर वैध मतों का 1/10 भाग अगर जो उसे जो है नहीं मिलता है जो कि आवश्यक होता है, तो उसकी जो है जमानत जो है नहीं बचती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा नन, क्योंकि इसमें है ही नहीं 1/10 भाग। 12 नंबर का क्वेश्चन है, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 61वां संशोधन के द्वारा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्यों, तो अभी तुरंत हम बताए थे कि राज्यसभा जो है एक जो है स्थायी सदन है और इसे जो विघटित किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है प्रत्येक 2 साल पर जो 1/3 सदस्य जो सेवानिवृत्त होते हैं और फिर पुनः जो है आ जाते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो देखिए संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं, मंत्री कहाँ होते हैं, तो लोकसभा में होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, केवल लोकसभा के प्रति।
देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, कौन राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो कुल जो लोकसभा की संख्या कितनी होती है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक कितने 80 सीट होते हैं लोकसभा की, अगर बात करें राज्यसभा की तो 31 सीट होते हैं, वह भी जो है सबसे अधिक है। अगर बात करें बिहार की, क्योंकि बिहार में हम लोग हैं ना, बिहार में बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं ना, तो पूछ सकता है बिहार से, तो देखिए बिहार से जो है 40 सीट है लोकसभा की, और अगर बात करें राज्यसभा की तो 16 सीट है। अगर बोले कि दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है पूरे भारत में, तो महाराष्ट्र है, वहां जो 48 सीट है लोकसभा की और राज्यसभा की 19 सीट है। वही बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, जो कि बिहार से भी 2 ज्यादा है, और वहां पर जो है राज्यसभा की बात करें तो 16 सीट है। और उसके बाद जो है तमिलनाडु की जो है 39 सीट है, जो कि बिहार से 1 सीट कम है लोकसभा में, और जो है इसकी राज्यसभा में लेकिन सीट की संख्या जो ज्यादा है कितनी है, 18 है। तो इतने फैक्ट जो है आपको याद रखना है। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो आप ही बताइए राज्यसभा के सदस्य क्या चुने जाते हैं, निर्वाचित हो गए? नहीं ना, इसे जो है मनोनीत किए जाते हैं, कितने वर्ष के लिए? तो 6 वर्ष के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा के कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो हम बताए थे कि एक साल में जो 2 बार जो सत्र बुलाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा 2 बार। अगर बात करें कितने का डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, 6 महीना का जो गैप होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए 18वां क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो देखिए लोकसभा का पहला आम चुनाव जो हुआ था वो जो है 1952 में, और इसका कार्यकाल कब से कब तक चला था, तो 1952 से लेकर 1957 तक में। और उस समय के 1952 का जो चुनाव हुआ था, उसके बाद जो अध्यक्ष बने थे उसका नाम आपको याद रखना है, क्या था उसका नाम, तो गणेश मावलंकर। क्या? गणेश मावलंकर। और अगर बात करें प्रथम जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसका जो कार्यकाल जो है कितने दिन पहले जो है भंग हो गए थे लोकसभा का, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 दिन पूर्व ही जो है यह जो विघटित हो गई। और अभी बताइए आप लोग कि अभी 2019-24 जो हुआ है वो कौन से जो है लोकसभा में आते हैं, कितने नंबर के लोकसभा में, तो आपको यह भी याद रखना है 1924 जो है 2019-24 तक जो है ये जो 17वीं लोकसभा थी, कौन सी 17वीं लोकसभा थी, और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला, यह भी आपको याद रखना है। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा संसद के पास है। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो देखिए शून्यकाल जो होता है वो जो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है, और उसे ही जो है शून्यकाल कहा जाता है। अगर बात करें प्रश्नकाल की, तो देखिए प्रश्नकाल में संसद के जो सदस्य है बिना पहले से सूचना दिए हुए जो है वो किसी भी मामले को जो है उठा सकते हैं। और अगर बात करें शून्यकाल की, तो प्रश्नकाल और कार्यक्रम जब तय होते रहते हैं कि कब जो है क्या होगा, कौन सा कार्यक्रम, उसके बाद तो उसी के बीच का जो काल होता है तो उसी को जो है शून्यकाल कहा जाता है। और अगर बात करें शून्यकाल कब से चल रही है, तो आपको यह याद रखना है शून्यकाल जो 1962 से जो है चल रही है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो आप देखिए आपको हम एक जगह ही सारे फैक्ट बता देते हैं, लोकसभा के लिए आयु जो है मिनिमम जो है कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। अगर बात करें राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए जो है 30 वर्ष होना चाहिए। अगर बात करें राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति के लिए जो है मिनिमम जो है यानी कि कम से कम जो 35 वर्ष होना चाहिए, और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, और विधान परिषद के लिए जो है 30 वर्ष होना चाहिए। तो इतने फैक्ट जो आपको याद रखना है, तो आप ही चुनिए इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 25 वर्ष। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति का सचिव को जो है भाग लेने का जो है अधिकार नहीं होता है। अब 23वां नंबर का क्वेश्चन है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो देखिए राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह जो सदन की सदस्य की भूमिका में नहीं रहता है। अगर बात करें कि कब आता है सदन की सदस्य की भूमिका में, तो जब स्थिति गंभीर हो जाती है, यानी कि दोनों पक्ष के जब वोट दिए जाते हैं और दोनों पक्ष के मत जो है जब बराबर हो जाते हैं, तब जो है वो कौन, तो राज्यसभा के सदस्य जो है सदस्य की भूमिका में आ जाता है, और वह जो है मत दे सकता है, अन्यथा वह जो है सदन का सदस्य नहीं होता है।
24 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 2026 ईस्वी तक। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है जो कि संसद से रिलेटेड ही है, लेकिन जो करेंट से पूछा गया है कि संसद की नई इमारत का निर्माण जो है कौन सी कंपनी जो है कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन, तो इसका आंसर हो जाएगा महान्यवादी यानी कि सी हो जाएगा। अब 27 नंबर का क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, बोले कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है त्यागपत्र जो है किसे देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को देगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, सही नहीं है सो बोल रहा है क्या कह रहा है सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई नहीं कर सकता है, यह जो बात जो है गलत है यानी कि सही नहीं है। अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, इसमें भी बोल रहा है कि गलत वाला ढूंढिए, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा धन विधेयक की शुरुआत जो है राज्यसभा में होती है। देखिए यह बात तो गलत है, हम शुरू में ही बताए थे कि धन विधेयक केवल और केवल जो है लोकसभा में ही जो प्रस्तुत किया जा सकता है, वो अभी किसके द्वारा, मंत्री के द्वारा, और किसके सिफारिश पर, तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं तो आप भी बताइए राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो देखिए राज्यसभा में जो है 250 जो है सदस्य होते हैं, और अगर बात करें तो इसमें जो 238 जो राज्य एवं संघ क्षेत्र से आते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है चुने जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए अभी तो हम बात की कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि अभी तक नहीं पूछा गया है, पूछ सकता है कि लोकसभा में जो कितने सदस्य होते हैं, तो देखिए लोकसभा में आपको याद रखना है 552 होते हैं, 552 होते हैं, कितने 552, और जो है 530 इसमें जो राज्य से आ जाते हैं जो कि निर्वाचित होकर आते हैं, 20 जो है संघ राज्य क्षेत्र से आ जाते हैं, और 2 जो है एंग्लो इंडियन समूह से आते हैं जिसे जो राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं, क्या करते हैं मनोनीत करते हैं, चुने नहीं जाते हैं। अब देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 2 माह, 2 माह मतलब क्या 60 दिन, यदि कोई सदस्य जो सदन की अनुमति के बिना जो है सदन की अनुमति नहीं लिया है तब अगर वह 7 दिन तक अनुपस्थित रहेगा, तब यही बोल रहा है कि यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए अनुपस्थित हो तो उसका पद जो है रिक्त हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो गया। 32 नंबर का क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो कौन रखता है, तो अटॉर्नी जनरल जिसे जो महान्यवादी कहते हैं वो जो है रखता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए अब 33 नंबर का क्वेश्चन है, लेखानुदान बना है किसके लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा बजट पारित लंबित होने के कारण जो है निधि आवंटन होती है। देखिए अगर बात करें तो यह जो है कहाँ होता है, तो यह जो सिर्फ लोकसभा में जो है बजट पारित लंबित होने के कारण जो है निधि आवंटन हेतु जो है लेखानुदान बना है। अगर बात करें कि राज्यसभा में बना है, तो देखिए राज्यसभा में जो है लेखानुदान नहीं बना है, तो इसका आंसर आपको क्या देना है, इसका आंसर देना है सी देना है। अब देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो आप ही बताइए किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो लोकसभा के प्रति होता है जवाबदेह होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो अभी हम बताए थे कि संसद सदस्य के अंतर्गत जो है 2 चीज आते हैं, कौन कौन से, तो राज्यसभा आते हैं और लोकसभा आते हैं, और राज्यसभा के लिए जो आपको जो है 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के लिए जो 25 वर्ष होना चाहिए, तो आप ही बताइए यहाँ पे बोल रहा है न्यूनतम, दोनों तो आ जाते हैं संसद में ही, लेकिन बोल रहा है न्यूनतम, तो लोकसभा भी आ जाता है, तो न्यूनतम में की बात करें तो हम दे सकते हैं लोकसभा यानी कि 25 वर्ष जो है कम से कम आवश्यक है। अब देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है, कहाँ पेश किया जा सकता है, तो हम बताए थे कि धन विधेयक जो केवल और केवल जो है कहाँ पेश किया जा सकता है, तो लोकसभा में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का जो है नहीं होना चाहिए, तो अभी तुरंत ही हम बताए कितने वर्ष होना चाहिए न्यूनतम मिनिमम, तो मिनिमम जो है 30 वर्ष जो है होना जो है आवश्यक है, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है, तो हम बताए थे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा की निवृत्ति का उम्र जो है कितना होता है, तो 65 वर्ष होता है,
आपको आंसर देना है 65 वर्ष। अब देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो आप ही बताइए कि लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसको देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है देगा। अब देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य। अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? अभी तो हम बात किए थे कि पेश किया जाता है कहाँ पर, तो लोकसभा में, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कौन जो है प्रमाणित करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष के पास वो शक्ति है कि वह उसे जो प्रमाणित कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर दो अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बलिराम भगत। तो जितने भी क्वेश्चन थे 42 क्वेश्चन थे, सारे को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।